इस मूवी में आप देखेंगे एक अफगानी सिपाही अमेरिकी सिपाही को कैसे तालिबानियों के चुंगल से निकालकर बाहर लाता है और बदले में वो सिपाही अपना फर्ज कैसे उतारता है, इसके बारे में आज इस मूवी से जानेंगे। हालांकि ये मूवी इंग्लिश में है लेकिन बहुत जबरदस्त मूवी है। ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। मुझे उम्मीद है ये मूवी की स्टोरी आपको अच्छा लगेगी, तो दोस्तों एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत लक्सरगाह अफगानिस्तान से होती है। वहाँ कुछ अमेरिकी फौजी जाने आने वाले विकल्प की चेकिंग कर रहे थे। जब फौजी उसे चेकिंग करने के लिए कहते हैं तो ड्राइवर इसके लिए तैयार नहीं होता और बहस करने लगता है। सार्जेंट जॉन को उसके ऊपर शक हो जाता है और वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर रोकते रोकते भी वो ट्रक वाला वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इतने में उस ट्रक के अंदर विस्फोटक हो जाता है और वहाँ दो फौजी मारे जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सार्जेंट जॉन बेस पर जाता है और अपने दो फौजी जो उसने ट्रक विस्फोट में खो दिए थे उनकी जगह पर नए दो फौजियों को अपने टीम में शामिल करता है। उनमें से एक फौजी को अफगानी भाषा आती थी और वो वहीं का रहने वाला था। फिर जॉन और उसकी टीम हथियारों का पता लगाने के लिए किसी के घर में जाते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि इस जगह पर गैरकानूनी हथियार पाए जाते हैं, लेकिन चेकिंग करने पर उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर जॉन वॉक्स के पास जाता है और उसे कहता है कि सर, मैं अपने आदमियों की जान खतरे में डालकर आईईडी फैक्ट्री को चेक करने जाता हूं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। वॉक्स कहता है कि ये तुम्हारा काम है और तुम्हें करना ही पड़ेगा, दोबारा इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर जॉन डेक्लन के पास जाता है। वो जॉन को एक प्रिंट देता है और कहता है कि इस लड़के के बारे में पता करो। फिर जॉन अपने नए फौजी अहमद के पास जाता है और वो प्रिंट दिखाकर पूछता है, क्या तुम इसको जानते हो? अहमद कहता है, हाँ ये फराज है। फिर वो भैंस बदलकर फराज को पकड़ने के लिए जाते हैं। उन्हें फराज मिल जाता है। फिर वे गन दिखाकर उसे अपनी कार में अगवा कर लेते हैं। जॉन उसके सामने दो रास्ते रखता है जिनमें से उसे एक को चुनना था। पहला रास्ता था फौजियों का साथ दे जिसमें उसे पैसे मिलेंगे और दूसरा रास्ता था वो ऑरेंज वर्दी यानी कि कैदी बनकर हमेशा के लिए जेल में। फराज पैसों को चुनता है। फिर अहमद उसे पूछता है कि हमें ये बताओ आईईडी कहाँ बनते हैं। फिर फराज उन्हें एक अड्डे के बारे में बताता है। वहाँ से वापस जाने के बाद जॉन अपने एक साथी से पूछता है कि अहमद को उसके बारे में कैसे पता था। वो बताता है कि अहमद पहले तालिबानियों के साथ काम किया करता था लेकिन उन्होंने उसके बेटे को मार दिया था, इसीलिए वो हमारा साथ दे रहा है। फिर जॉन वॉक्स के पास जाता है और वो बताता है कि हमें एक जगह के बारे में पता चला है, हमें वहां पर जाकर चेकिंग करनी होगी। वो कहता है किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। फिर जॉन और उसकी टीम अपने काम को अंजाम देने के लिए प्लान बनाते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सी रास्ते से जाना होगा। फिर जॉन एक सैनिक की टुकड़ी को लेकर वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में अहमद जॉन को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और कहता है कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता सेफ नहीं है, वो तालिबानी घात लगाकर बैठे हैं। फिर जॉन अपने साथियों को जांच करने के लिए कहता है। वो दो साथियों को पहाड़ी के ऊपर जाकर चेक करने के लिए कहता है। जब वो ऊपर जाकर चेक करते हैं तो जॉन को बताते हैं कि ये रास्ता बिल्कुल साफ है। तभी जॉन देखता है कि अहमद ने एक फौजी को घायल करके उसे गन पॉइंट पर ले रखा है और अहमद कहता है कि ये देशद्रोही है। जॉन कहता है कि इसे छोड़ दो और ये बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा। अहमद उसे छोड़ देता है और अपनी गन जॉन को दे देता है। तभी जॉन का एक साथी बताता है कि उन्हें शक है कि आगे कोई हाथ लगाकर बैठा है, शायद वे 8 लोग हैं। फिर जॉन सबको वापस कैंप चलने के लिए कहता है। उस रात जब अहमद अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी उसकी जॉब को लेकर चिंता व्यक्त करती है। अहमद कहता है अगर किसी दिन मैं घर ना लौटूं, समझ जाना कि मैं अपने बेटे से मिलने चला गया। उधर कैंप में जॉन वॉक्स के पास जाता है और उसे हवाई सहायता मांगता है। अगले दिन जॉन फिर से फराज की बताई हुई जगह पर जाता है जो उनके बेस से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर थी और हवाई सहायता उनसे आधे घंटे की दूरी पर थी। जॉन की टीम वहां पर पहुंच जाती है और वहां काम करने वालों को बंदी बना लेती है। फिर जॉन कुछ सैनिकों को साथ लेकर वहां छानबीन करता है। उसे वहां कुछ तालिबानी दिख जाते हैं
जॉन बेस पे कॉल करता है हवाई सहायता भेजने के लिए। फिर जॉन अंदर आता है और उन तालिबानियों को मार देता है। फिर वो वहां पर एक बम लगा देता है जो कि 3 मिनट बाद फटना था। वैसे तो 3 मिनट बहुत कम टाइम होते हैं, लेकिन जब मौत सामने बैठकर आंखें से आंखें डालकर देख रहा होता है तो 3 मिनट 3 दिन के बराबर लगती है। उन 3 मिनट में वहां और तालिबानी आ जाते हैं और एक एक करके जॉन के सभी साथियों को मार देते हैं। फिर जॉन अहमद को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर 3 मिनट वाला बम विस्फोट हो जाता है और इतने में वहां पर हवाई सहायता भी पहुंच जाता है। उन्हें वहां पर लाशों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। बहुत से तालिबानी जॉन का पीछा कर रहे होते हैं और उसी समय उनका कार पंचर हो जाता है, इसीलिए वो अपनी कार को छोड़कर जंगल में भाग जाते हैं। तभी वहां पर और तालिबानी आ जाते हैं। उनमें से कुछ तालिबानी गाड़ी से उतरकर जॉन को तलाशने के लिए चले जाते हैं और बाकी के वहां से वापस चले जाते हैं। चलते चलते जॉन और अहमद थक जाते हैं, फिर एक जगह पर बैठ जाते हैं और जॉन अपने मरे हुए साथियों को याद करके अफसोस करने लगता है। उस समय तालिबानी उनको जंगल में ही ढूंढ रहे थे। फिर थोड़ा आराम करने के बाद जॉन अहमद को कहता है कि तालिबानी यहाँ पर आ जाएंगे, हम सड़क का सहारा बिल्कुल नहीं ले सकते, इसलिए हमें जंगल के रास्ते ही जाना पड़ेगा। तालिबानी उनके नजदीक आ जाते हैं और जॉन अहमद के साथ वहां से बचकर भागने लगता है। पहाड़ी से नीचे जाते समय अहमद की गन भी वहीं पर छूट जाती है। नीचे पहुंचने पर जॉन देखता है कि अहमद की गन वहीं पर रह गई है, इसलिए वो उससे अपनी गन दे देता है। वहां उन्हें दो तालिबानी दिखते हैं, फिर वो उन पर गोली ना चलाकर उनको चाकू से मारते हैं। फिर अहमद उनकी बंदूक ले लेता है और वो आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने गोरिल्ला नीति अपना ली थी और उनको जितना भी तालिबानी दिखते थे वे उससे घात लगाकर मार देते थे। तभी दो तालिबानी उन्हें देख लेते हैं और उनमें फायरिंग शुरू हो जाती है। गन की आवाज सुनकर वहां बहुत सारे तालिबानी आ जाते हैं। उन्हें देखकर अहमद और जॉन छुप जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद वे चलते चलते एक घर में पहुंच जाते हैं। वहां कोई भी नहीं होता। जॉन कहता है आज रात हम यहीं पर रुकेंगे। अगले दिन वे उठते हैं और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि आज रात वो किसके हाथ नहीं लगे, लेकिन बकरी की अम्मी कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो बारी आएगी। जॉन तालिबानियों के हाथ में चले जाता है। फिर गोली जॉन के हाथ और पैर पर लग जाता है और वो घायल हो जाता है। फिर तालिबानी उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अहमद आ जाता है और उन 3 तालिबानियों को मार देता है। जॉन का वो अफगानी साथी जिसे जॉन को कभी विश्वास नहीं था, वो अपनी फौजी वर्दी उतरकर साधारण कपड़े पहन लेता है और जॉन को अपने साथ ले जाने लगता है ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन वहां पर कार भी थी, लेकिन वो सड़क के रास्ते से नहीं जा सकते थे। वहां हर जगह तालिबानी मौजूद थे। उसे चलते चलते 2 दिन बीत चुके थे। फिर वो जॉन के ड्रेस में से कुछ पैसे निकालता है और उसे एक कार भाड़े में लेता है। फिर वो उस रास्ते से जाता है जहां से उसे लगता है कि उस रास्ते में तालिबानी नहीं होंगे, लेकिन वहां भी उससे कुछ तालिबानी मिल जाते हैं। अहमद वहां से बच निकलता है, लेकिन वापिस जंगल के रास्ते से ही जाने का प्लान बनाता है। फिर वो एक बंजारा तोले के पास जाता है और नशे के बदले में उनसे एक हाथ गाड़ी लेता है। फिर वो जॉन को उसके ऊपर लेटा कर फिर से आगे बढ़ता है। एक और दिन बीत जाता है। अहमद जॉन को जिंदा रखने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से उसे जिंदा बेस कैंप तक पहुंचाना चाहता था। उसे चलते चलते 5 दिन बीत चुके थे। वो भूखा प्यासा बस चलता ही जा रहा था, जैसे वो कोई इंसान ना होकर कोई मशीन हो जिसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। एक जगह पर आकर गाड़ी फंस जाती है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता और मायूस होकर रोने लगता है। लेकिन जब उसको याद आती है जॉन की भी फैमिली उसको याद कर रहे होंगे, तो वो पूरा जोर लगाकर गाड़ी को वहां से निकाल लेता है। गोली लगने के कारण जॉन को होश नहीं था। वो चलते चलते बेस कैंप के नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी डिस्टेंस काफी दूर था। फिर अहमद पैसा देकर वहां सब्जी वाले से एक पानी की बोतल लेता है और वो खुद पी के जॉन को भी पिलाता है। तभी वहां पर कुछ तालिबानी आ जाते हैं, वो भी वहां पर पानी पीने लगते हैं। तभी उनमें से एक तालिबानी जॉन के शूज को देख लेता है और उन्हें शौक हो जाता है, लेकिन अहमद उन 3 को मार देता है। उनकी गोली की आवाज सुनकर वहां अमेरिकी फौजी आ जाते हैं और
उन दोनों को बेस कैंप ले जाते हैं। इस घटना के एक महीने के बाद जॉन को होश आता है, और जब उसे होश आता है उस टाइम वो कैलिफोर्निया में था। फिर उसके 3 हफ्ते बाद वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर जाता है। वहाँ उसके दोस्त उसे मिलने आते हैं। वो बताते हैं तुम्हें मेडल मिलेगा। फिर जॉन कहता है मेडल के हकदार तो वो है जो मुझे मौत के मुंह से निकाल कर मेरा जान बचाया था। वे कहते हैं तुम्हारी कहानी के बाद अहमद वहाँ पर फेमस हो गया है, लेकिन तालिबानियों के निगाह में आ गया है जो अहमद बिल्कुल नहीं चाहता। फिर उसके बाद वो अपने परिवार को लेकर अंडरग्राउंड हो गया। वो तालिबानियों के सूची में है तो वो 10 वांटेड में से एक था। उसका दोस्त बताता है हम उसके भाई के पास गए थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक उसे वीजा नहीं देते मैं अहमद का पता नहीं बताऊंगा। फिर वो अहमद का वीजा अप्लाई करने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी बात नहीं बनती। अब रात को भी सोते वक्त उसे अहमद की याद आने लगती है। अहमद के वीजा अप्लाई करते करते उसके कई दिन बीत जाते हैं। उसे बस यही चिंता थी उसकी जान बचाने वाला को कुछ हो ना जाए। उसे लगातार 35 दिन हो गए थे, लेकिन शायद वहाँ के ऑफिसर भी इंडिया की तरह थे, काम करके खुश नहीं थे। जॉन गुस्से से पागल हो जाता है। उसे फिर से वो सब कुछ याद आने लगता है जो अहमद ने उसके लिए किया। अहमद की भाई एक एक बूंद और उसका एक एक त्याग उसे याद आ जाता है, और वो किसी भी तरह हक मोड़ना चाहता था। जॉन अपनी वाइफ को बताता है कि जो उसने मेरे लिए किया वो अकेले इंसान की काम नहीं था। मैं यहाँ बिस्तर पर आराम से लेटा हूँ और वो वहाँ अपने जान बचाने के लिए कहीं छुपा होगा, बल्कि मुझे उसकी जगह पर होना चाहिए था। अगले दिन उसके दोस्त बताता है कि सरकार उसे लेने में तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, तुम्हें खुद ही लाना होगा और इसके लिए तुम्हें प्राइवेट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, इसमें तुम्हारा बहुत खर्चे होने वाले हैं। उधर अहमद तालिबानियों के डर से किसी के घर में छुपा था, लेकिन जब तालिबानी वहाँ भी पहुँच जाते हैं तो वो छुप कर किसी दूसरे जगह पर चला जाता है। बस वो इसी तरह एक जगह से दूसरे जगह भागता फिर रहा था। उधर जॉन की वाइफ कहती है कि उसने तुम्हारा जान बचाई, इसके लिए हम उसके शुक्र गुजार रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम वहाँ जाकर जिंदा वापिस लौट आओगे? अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम जाओ, इसके लिए हम अपने घर भी गिरवी रख देंगे। अफगानिस्तान जाने से पहले जॉन कर्नल वॉक्स के पास जाता है और उसे कहता है कि 8 साल पहले मैंने आपकी जान बचाई थी और अब लगता है कि आपको इसका हक अदा करने का समय आ गया है, क्योंकि मैं अपना जान का हक अदा करने जा रहा हूँ। मैंने हर संभव कोशिश की विजय प्राप्त करने की, लेकिन अब आप ही ये काम कर सकते हैं। फिर जॉन अपना फैमिली को वहाँ से अलविदा कहकर चला जाता है। अफगानिस्तान पहुंचकर जॉन एडी के पास जाता है जो कि वॉक्स का आदमी था। वॉक्स ही जॉन को इसके साथ डील करवाया था बहुत कम पैसों से, लेकिन वो वहाँ पर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उन्हें कोई और काम मिल गया था। जॉन कहता है हमारा जो सौदा हुआ था उसका सम्मान करें, लेकिन एडी कहता है अगर तुम 3 दिन तक रुक जाओ तो मेरी पूरी टीम तुम्हारी होगी, अगर नहीं रुक सकते तो तुम तुम्हारे पैसा ले लो। जॉन कहता है ना तो मैं पैसा वापिस लूंगा ना ही सौदा टूटने दूंगा। फिर एडी जॉन को कहता है कि मैं तुम्हें कार, $10,000 और हथियार दे दूंगा, तुम वहाँ अकेले जाओगे और उसे ढूंढोगे। उसे ढूंढने के बाद तुम मुझे कॉन्टेक्ट करोगे और मैं अपने साथियों को लेकर वहाँ पर आ जाऊंगा। जॉन मान जाता है। फिर जॉन मैप देखकर अहमद के भाई के पास पहुँच जाता है। वो जॉन का अच्छे से स्वागत करता है। वो बताता है कि मेरे तालिबानियों के साथ कई व्यापार चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं मारा, मेरे भाई ने आपकी जान बचाई और इसीलिए वो फेमस हो गया। तालिबानियों ने इसे अपनी नाकामयाबी समझ रहे हैं, वो मेरे भाई के पीछे पड़े हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अहमद की भाई कहता है तुम अपनी कार यहीं छोड़ दो और यहाँ से तुम मेरे ट्रक में जाओगे। मेरे ड्राइवर के पास तालिबानी चौकियों से गुजरने का पास है। वो पहाड़ी रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में 2-3 जगह पर चेकिंग होती है, उनमें से एक पॉइंट पर ट्रक की अच्छे से जांच की जाती है। जॉन पकड़ा ही जाने वाला था, लेकिन वो 2 तालिबानियों को शूट कर देता है। उन्हें नहीं पता था कि पास में ही एक और तालिबानी उनको देख रहा है। वो उन्हें देख रहा था और वो तालिबानी अपने हेडक्वार्टर फोन कर देता है। तभी जॉन के पास वॉक्स का फोन आता है और वो कहता है कि मुझे वीजा मिल गया है। उसके बाद अहमद कहता है बेस्ट ऑफ लक, और थोड़ी ही देर के बाद जॉन अहमद के पास पहुंच जाता है। जॉन एडी को फोन करता है और उसे बताता है कि मैं अहमद तक पहुंच गया हूं। एडी उसकी लोकेशन ट्रेस करता है और उसे कहता है यहां से 2 किलोमीटर दूर एक डैम है, तुम सबको लेकर वहां पर पहुंच जाओ, मैं कुछ करता हूं। जॉन चुपके से जाकर अहमद के पास बैठ जाता है। जब अहमद उसे देखता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। जॉन कहता है अभी हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ से हमें जल्द निकलना होगा। उस समय जो तालिबानी पीछा कर रहा था जॉन का, वो जॉन और अहमद का फोटो खींचकर हेडक्वार्टर भेज देता है और उन्हें पता चल जाता है ये जॉन है और खुद यहाँ पर आ गया।
गया है मरने के लिए। फिर एडी का आदमी उसे बताता है कि वो जिस जगह पर है तालिबानियों की हॉट लिस्ट में है, और जो भी है हमें जॉन की जान को बचाना ही होगा। उधर अहमद अपने परिवार को ट्रक में बिठा कर ले जाता है। उस टाइम तालिबानी उनसे कुछ ही दूर पर थे। उनके वहाँ से निकलते ही तालिबानी भी उनका पीछा करने लगते हैं। फिर एक आदमी उन्हें बताता है कि वे अभी अभी ट्रक लेकर इधर से गए हैं। वो चलते चलते डैम के पास पहुंच जाते हैं। जॉन पीछे आ रहे तालिबानियों पर गोली चलाने लगता है। एक कार पलट जाता है। फिर जब वो सुरंग के पास पहुंचते हैं तो जॉन उस ट्रक को बम से उड़ा देता है और वो सुरंग के अंदर भाग जाते हैं ताकि रास्ता ब्लॉक होने पर तालिबानी अपने कार से अंदर ना आ सके। लेकिन तालिबानी चैन से बांध कर उस ट्रक को साइड कर देते हैं और अपनी कारों में बैठकर वहां से अंदर आ जाते हैं। वहां उन दोनों में बहुत ज्यादा गोलीबारी होती है। जॉन एडी को बार बार फोन करता है लेकिन फोन नहीं मिलता। जॉन और अहमद की गोली भी खत्म हो जाती है। अब जॉन को महसूस हो गया था एडी ने उसे धोखा दे दिया है और उसकी वजह से ये सब मारे जाएंगे। उनके ट्रक ड्राइवर को भी गोली लग जाती है। अब अहमद की आंखें जॉन को इस तरह से देख रही थी कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी लेकिन तुमने मेरी फैमिली को मौत के मुंह में उतार दिया। लेकिन तभी उन्हें तालिबानियों की वहां एडी के प्रोफेशनल किलर आ गए थे और उन्होंने कुछ ही सेकंड में उन सबको मार देते हैं। फिर एडी वहां पर तालिबानियों की कार में आता है और अपने लोगों को कहता है कि ट्रक ड्राइवर को आराम से उठाकर अपने कार में बिठाओ। एडी कहता है, ब्रो अगर तुमने मुझे पहले से ही बता दिया होता कि तुम जॉन हो और अहमद को लेने जा रहे हो तो शायद मैं पैसा नहीं लेता। फिर वो एडी अहमद और उसकी फैमिली को भेजा देता है और कहता है कि ये हेलीकॉप्टर तुम्हें कैलिफोर्निया ले जाने वाला जहाज तक छोड़ देगा। अहमद ने ये सोचकर उसकी जान बचाई थी कि उसकी भी कोई फैमिली होगी जो घर पर उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो बचा रहा है एक दिन वो उसकी फैमिली को बचाएगा। और अंत में हमें बताया जाता है 9/11 के बाद 7 अक्टूबर 2001 को 13,000 US आर्मी के जवान अफगानिस्तान भेजे गए और 2011 तक इनकी गिनती बढ़कर 98,000 तक पहुंच गया। उन्होंने 50,000 अफगानियों को भी सेना में भर्ती किया ये कहकर कि बाद में उनको और उनके फैमिली को US वीजा दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 30 अगस्त 2021 को US आर्म फोर्स अपना 20 साल का लंबा समय बिताने के बाद वापिस अपने देश लौट जाता है। उनके जाने के बाद तालिबानियों ने सारे कंट्रोल अपने हाथ ले लिया और US आर्मी की मदद करने वाले 300 से ज्यादा अफगानी आर्मी की फैमिली को मार दिया और हजारों की संख्या में लोग अभी भी तालिबानियों से बचने के लिए कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। तो दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखा है तो जरूर देखना। धन्यवाद।